जेएसपीसी की वायरिंग के बारे में ना, हाँ एड्रेसिंग वायरिंग के बारे में। हाँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी अगर हम इंडोर और आउटडोर यूनिट कनेक्ट कर लेते हैं, तो कनेक्ट करने के बाद में क्या होता है, हमको सिस्टम पे वायरिंग करना होता है, जिसमें वायरिंग में क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन वायरिंग आ जाता है, ट्रांसमिशन वायरिंग जिसको हम बोलते हैं, और साथ में थर्मोस्टेट वायरिंग, पावर सप्लाई वायरिंग, यही कॉमन वायरिंग होती है। हाँ जी बोलिए। ट्रांसमिशन वायरिंग और कम्युनिकेशन वायरिंग दोनों अलग है ना सर? नहीं, अलग नहीं है ना। हेलो, ट्रांसमिशन, मेरी बात सुनो, ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है हिंदी में? यहाँ तो क्योंकि वही कंफ्यूजन है, ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन वायरिंग। ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? हाँ? ट्रांसमिट करना है थोड़ा, एक जगह से हाँ? दूसरी जगह, जगह से दूसरी जगह भेजना, ट्रांसमिट करना किसी भी डेटा अच्छा को या को। जी, करेक्टली। और इसका कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? वो एक दूसरे से बात करना है, एक दूसरे से वो यानी कि बात जितने कैसे भी, हो रहा है, सिग्नल के जरिए होगा, कोडिंग से हो रहा है, वो कम्युनिकेट करना वो। जी, तो दोनों ही शब्द आपके बहुत बढ़िया हैं, आपकी इंग्लिश अच्छी है। और मैं आपको ये कह रहा हूँ, जैसे अभी अगर हम किसी भी इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट को आपस में जब कनेक्ट करते हैं एड्रेसिंग के माध्यम से, ठीक है ना, स्लेव यूनिट, मास्टर ठीक यूनिट है, और इंडोर यूनिट सब, और जितने भी हमारे कंट्रोल, मान लो डीबी बॉक्स वगैरह भी हैं, इस तरीके से थर्मोस्टेट सब जब कनेक्ट हो जाते हैं, तो फिर आपस में स्टार्ट होता है ऑपरेशन। जब ऑपरेशन स्टार्ट होता है, तो ओके, डिमांड जाती है मास्टर पीसीबी को, कितना हीट लोड के हिसाब से आपको कंप्रेस करना है कंप्रेसर को। ओके, हर एक कंप्रेसर, हर एक आउटडोर यूनिट के अंदर में कैपेसिटी के हिसाब से कंप्रेसर लगे हुए रहते हैं। कोई एक कंप्रेसर रहता है, किसी में दो रहता है, स्लेव यूनिट है तो एक दो रहता है ना। तो जब कमांड मिलती है कि हमारे पास 25 इंडोर यूनिट है, 25 के 25 चल रहे हैं और आउटसाइड टेम्परेचर गर्म है, तो हीट लोड ज्यादा है, यानी कूलिंग करने की ज्यादा जरूरत है, तो उस टाइम पे क्या मास्टर कंप्रेसर, मास्टर यूनिट स्टार्ट होगा। मास्टर यूनिट कंप्रेस करने के बाद में वो टोटल डिमांड को कलेक्ट करेगा, और कलेक्ट करने के बाद में डिवाइड करेगा सभी यूनिट्स को, और यूनिट्स को डिवाइड करने के बाद में ओके, सबको एक साथ ऑपरेशन करने के लिए तैयार होंगे सारे सिस्टम, ठीक है ना। अब उस दरमियान क्या है कि जैसे जैसे राइट, कूलिंग इफेक्ट मेंटेन होता रहता है, तो कम्युनिकेशन मेंटेन होता है, ट्रांसमिशन मेंटेन होता है कि कहाँ पे कितना कूलिंग कैपेसिटी की जरूरत है और कितना जो है कंप्रेसर को कंप्रेस करने की जरूरत है, उसके हिसाब से जितने भी जो इन्वर्टर कंप्रेसर सभी यूनिट्स में लगे हुए हैं आउटडोर में, वो जितनी डिमांड है सरपैक्स एरिया है हमारे इंडोर यूनिट्स, हमारे रूम्स वगैरह में, उसके हिसाब से वो वेरिएबल मूवमेंट के अंदर में कंप्रेशंस का काम करते हैं, अप एंड, जो मतलब कभी तेज करेंगे कभी कम करेंगे, जैसा हीट लोड की आवश्यकता है उसके हिसाब से। हाइट लोड के हिसाब से। हाँ तो ये सारी चीजें जो मिलके कम्युनिकेट करती है, इसको कम्युनिकेशन वायरिंग भी बोलते हैं और ट्रांसमिशन वायरिंग भी बोलते हैं। ये एक ही वायरिंग होती है, इसमें अलग अलग वायरिंग नहीं होती है। जो कंप्रेसर के अंदर में लगे हुए या कंप्रेसर साइड में लगे हुए या आउटडोर यूनिट में लगे हुए जितने भी जो वायर्स हैं इनबिल्ड, ना कि जो हमने मैनुअली लगाए, उनकी नहीं कह रहा हूँ, इनसाइड जो भी कुछ पहले से ओके कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है, उनमें उनको छेड़छाड़ नहीं करना है। मेन क्या है, हमारा ओके सिस्टम को पावर देना और इंडोर यूनिट का कम्युनिकेशन सिस्टम को देना, ताकि वो ऑपरेट कर सके, और मास्टर से स्लेव यूनिट के अंदर में कनेक्ट करना। जब हमारा थर्मोस्टेट से हम एड्रेसिंग करके सबको एक कर देते हैं, अब मिसुबिशी में क्या है कि इसमें मैनुअल भी है, सिस्टम में नंबरिंग देना पड़ता है हर एक इंडोर यूनिट को और आउटडोर यूनिट को, बहुत इजी है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत अच्छा, नहीं। हाँ, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, हम कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर में। तो ये आपको करना है, और इसके अंदर में कैसे करना है अगर आपको नहीं समझ में आता है, तो मैं इसके बारे में आपको और भी चीजें जो है ना वीडियो के माध्यम से क्लियर करूंगा, आपको जो अपनी पर्सनल वीडियोस है ट्रेनिंग के उनके माध्यम से क्लियर करूंगा। बाकी इसके अंदर में क्या है कि ओके, जैसे अपना जो सिस्टम है ना, सिस्टम के अंदर में एड्रेसिंग करने के लिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये आपका मास्टर पीसीबी है, इस मास्टर पीसीबी के अंदर में हाँ आपको आपको किस तरीके से प्रोग्राम करना है, इसके अंदर में जो पुश बटन सेटिंग्स होती है, पुश बटन सेटिंग्स के अंदर में किन किन, जैसे ये SWU1 है, SW1 है और SW2 है, और ये यहाँ पे LED लाइटिंग वगैरह सारा सब कुछ है। तो इस वीडियो को आप एक बार देखना, मैं आपको ये शेयर करूंगा, तो आपको मिसी का पूरा समझ में आएगा, अच्छे से ओके, क्लियर हो जाएगा। तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है, हमको सिर्फ और सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये काम कैसे होएगा, तो आसानी से कर सकते हैं। एड्रेसिंग बहुत इजी है इसके अंदर में,
आउटडोर का जो एड्रेसिंग हम्म, है आउटडोर से स्लेब यूनिट का, वो भी इजी है, और साथ के अंदर में जो इंडोर यूनिट का है वो भी इजी है। और इसमें अगर मान लो कोई भी अगर हीट रिकवरी सिस्टम है, हीट एंड कूल वाले हैं, अगर मान लीजिए वहां पे कंट्रोल बॉक्स है, जो डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स है, उनका भी अगर वायरिंग करना हो तो उसमें भी सेम एड्रेसिंग होता है, उनमें भी एड्रेसिंग होता है। तो यहाँ पे डिफिकल्ट वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमको अच्छा अपने सिस्टम को नंबरिंग देना होता है। वो नंबरिंग कैसे सेट करते हैं हम इजी वे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। सर, ये आप कब बताएंगे सर? ये क्या चीज, हाँ, ये जो अभी सामने जो है ये डिस्प्ले, तो मैं आपको सेंड कर दूँ ना इसका जो ये मतलब ये जो वीडियो। आवाज, हाँ, ये वीडियो हाँ आप देख लेना, देखने में वीडियो आपको भेज देंगे समझ। आप आपसे? हाँ हाँ जी हाँ, ये रिकॉर्डेड है, आपको समझा रखा है, मैंने हाँ समझा रहा हूँ। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं आपके, जो आपको कंफ्यूजन कहीं लगता है, तो मैं आपको समझा दूंगा। वैसे मुझे लगता है जहाँ तक अच्छा इसको बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। नहीं, वो ठीक आप कब सेंड करेंगे वो पूछ रहे हैं। है, अभी सेंड कर देता हूँ। बढ़िया है सेंड तब कर, तो। सेंड करने का कोई दिक्कत नहीं। और बताइए कोई क्वेश्चन हो तो आपके। बताइए, तो कोई